नमस्कार दोस्तों मैं राजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी पर कि इस वर्ष यानी कि 2018 में कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जा रही है उसके शुभ मुहूर्त क्या है और इस इस साल कृष्ण जन्माष्टमी पर ऐसे कौन से प्रयोग किए जाए जिसके द्वारा हमें मनवांचित फल की प्राप्ति हो संतान की प्राप्ति हो धन की प्राप्ति हो यश की प्राप्ति हो वैभव की प्राप्ति हो इस प्रकार के कुछ ऐसे उपाय करेंगे जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में इन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जा रही है इस बार जो जन्माष्टमी है वो दो तारीख को यानी दो सितंबर को रात आठ बज कर मिनट पर लगेगी और तीन तारीख को शाम को सात बजकर बीस मिनट तक चलेगी इस बीच में ही जन्माष्टमी रहेगी अब मैं आपको इनके शुभ मुहूर्त बताता हूँ कि कब आपको पूजा करनी चाहिए इस दिन जो पूजा का समय है वो है रात ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से बारह बज के मिनट तक इसका मतलब जो शुभ मुहूर्त की कुल जो अवधि रहेगी वो पैंतालीस मिनट तक ही रहेगी इसी बीच में आपको भगवान कृष्ण का जो पूजा पाठ है वो आपको करना है तो ये तो हुआ मुहूर्त की बात कि हमें किस मुहूर्त में पूजा करनी है अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे उपाय की जिनके करने से आपको विभिन्न प्रकार के फल की प्राप्ति होगी तो पहला जो उपाय है वो क्या है वो है धन प्राप्ति उपाय धन की प्राप्ति कौन नहीं चाहता इस इस समय में या इस युग में धन ही सब कुछ है अगर देखा जाए तो क्योंकि लोग धन के पीछे भागते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो जितना आप परिश्रम करें उससे ज़्यादा की प्राप्ति हो तो आपको करना क्या है कि जन्माष्टमी के दिन जो ये जन्माष्टमी आ रही है उस दिन क्या करेंगे आप सुबह जल्दी उठेंगे जल्दी उठकर स्नान करेंगे स्नान करने के बाद आप पीले वस्त्र धारण करेंगे मतलब आप पीले कपड़े पहनेंगे और फिर किसी भी राधा कृष्ण जो आ, मंदिर है आजू बाजू किसी भी राधा कृष्ण का जो मंदिर होगा उसमें जाएंगे और भगवान कृष्ण को पीले पोशाक पीले पोशाक मतलब होता है भगवान के जो ड्रेसेस होती है उनको पोशाक बोलते हैं तो पीले कलर की पोशाक पीला अनाज पीले फल पीली मिठाई पीले फूल ये सभी चीज़ लेकर जाना है और भगवान को अर्पित करना है अगर आप ऐसा करते हैं तो भगवान आप पे प्रसन्न होंगे और जल्दी से जल्दी आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी और व्यापार या नौकरी में तरक्की के उपाय व्यापार व नौकरी में तरक्की के उपाय एक बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आप कर सकते हैं आप क्या करेंगे कि जन्माष्टमी के दिन सात कन्याओं का निमंत्रण देंगे और कन्याओं को जो खाना खिलाएंगे उसमें खीर अवश्य बनाएंगे खीर का ही उनको देखा जाए तो खीर ही खिलाना है अगर दूसरी चीज़ भी खाना चाहे तो खा सकते हैं। लेकिन खीर आपके लिए मेन रहेगी तो आप खीर बनाएं और खीर उनको खिलाएं कन्याओं को खीर नहीं बना सकते तो आप कोई भी सफ़ेद मिठाई उनको खिला सकते हैं कोई भी सफ़ेद मिठाई आपको उसको खिला सकते हैं इसके बाद उनको यथाशक्ति कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें और ऐसा इसके बाद आप पाँच शुक्रवार को करेंगे यानी कि जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी उस दिन तो करेंगे ही इसके बाद जो नेक्स्ट शुक्रवार आएगा शुक्रवार शुक्रवार ऐसे करके पाँच शुक्रवार तक आप इस प्रयोग को दोहराएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर अगली जन्माष्टमी नहीं आएगी इसके पहले पहले आपको अपने व्यापार में भी और आपके जो नौकरी है उसमें भी पदोन्नति मिल जाएगी अगला उपाय है यश प्राप्ति का उपाय देखिए आपके पास पैसा है घर है जायजाद है संपत्ति है सब कुछ है लेकिन अगर मान सम्मान नहीं है तो ये चीज़ें किसी काम की नहीं है क्योंकि अगर एक इंसान जो है वो यश यानी कि अपनी इज्जत के लिए ही जीता है तो अगर आपको यश प्राप्ति करना है कि सभी लोग आपकी बात माने आपको पूजे इस प्रकार से तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिए अगर ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको यश की प्राप्ति जरूर होगी उपाय बहुत ही छोटा सा है आपको करना क्या है कि इस जन्माष्टमी से मतलब इस जन्माष्टमी पहले दिन से आप स्टार्ट करेंगे और करते रहेंगे इसको इसको बंद नहीं करेंगे उपाय बहुत छोटा सा है आपको करना क्या है कि पीला चंदन और केसर इन दोनों को गुलाब जल में आप ऐसे से करके घोल लेंगे या जैसा भी आपको करना है उस तरह से करके और फिर आप तिलक लगाएंगे अगर आप डेली ये करते हैं तो हंड्रेड एंड वन परसेंट ये बहुत ही कारगर उपाय है अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको मान सम्मान इज्जत यश की प्राप्ति अवश्य होगी लेकिन इसको लगातार करना है स्टार्ट करना है जन्माष्टमी से और उसको फिर लगातार करते जाना है अगला उपाय अगला उपाय है संतान प्राप्ति उपाय या पुत्र प्राप्ति उपाय ये भी कहते हैं इसको इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ आप क्या करेंगे जन्माष्टमी के दिन शाम को यानी जिस दिन जन्माष्टमी रहेगी मतलब दो तारीख की शाम को आप नहाएंगे नहाने के बाद आप नए कपड़े पहनेंगे यानी जिसको हम कोरा कपड़े बोलते हैं अगर वो नहीं पहन सकते किसी वजह से आपके पास नए कपड़े नहीं हैं तो आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं लेकिन वो स्वच्छ होना चाहिए धुले हुए होना चाहिए और वो भी पीले कलर के होने चाहिए तो आप पीले वस्त्र धारण करेंगे यानी पीले कपड़े पहनेंगे फिर रात को बारह बजे रात को बारह बजे एक साफ़ सुथरा आसन बिछाएंगे आसन के ऊपर एक थाली रखेंगे थाली के ऊपर आप बाल गोपाल की मूर्ति को स्थापित करेंगे बाल गोपाल की मूर्ति को स्थापित करके इसके बाद आप उसे पहले शुद्ध यानी कच्चे दूध से आप उसे स्नान करवाएंगे गोपाल गोपाल की जो मूर्ति है उसको आप शुद्ध यानी कि कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे इसके बाद दही से स्नान करवाएंगे और उसके बाद शुद्ध जल से आप उसको स्नान करवाएंगे इसके बाद उनको पोछ कर उनको फिर वस्त्र पहनाएंगे वो भी पीले कलर के वो भी नए कपड़े होना चाहिए भगवान के तो आप उन्हें वस्त्र पहनाएंगे इसके बाद आप उनका भोग लगाएंगे और भोग काय का लगेगा पिंजारी का पिंजारी कैसे बनती पिंजारी दो टाइप की दो टाइप की बनाते हैं लोग एक तो आटे की पिंजारी बनाते हैं और दूसरा जो आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन जो पिंजारी बनाई जाती है वो धनिए की बनाई जाती है धनिया और सौठ धनिए और सौठ को मिलाकर आप पिंजारी बना सकते हैं तो पिंजारी बनाएंगे पिंजारी के ऊपर आप क्या कर पिंजारी में आप क्या करेंगे पिंजारी की जो कटोरी जिसमें आप पिंजारी रखेंगे उसके ऊपर एक एक आप तुलसी का पत्ता भी रखेंगे और इन सभी चीज़ों को आप भगवान को अर्पित करेंगे भगवान को अर्पित करने के बाद उनका भोग लगाने के बाद उस पिंजारी को खुद ग्रहण करेंगे और फिर पंचामृत का भी भोग लगाएंगे और उसको भी ग्रहण करेंगे साथ में ग्रहण करना मतलब खा लेना और वो तुलसी का जो पत्ता है वो भी खुद ग्रहण करेंगे खुद मतलब कौन वो महिला जिसको जिसको संतान होना है और फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान जिस जिस कारण से मैंने ये व्रत किया है जिस कारण से मैंने आपकी ये पूजा की है मतलब वो अपना जो उद्देश्य वो आप यहाँ पे बताना है कि आपने किस वजह से ये सब किया है और भगवान मुझे आपकी जैसी संतान की प्राप्ति हो बस इतना आपको कहना है और बस आपका जो प्रयोग है वो सफल हो जाएगा और बहुत जल्दी आपके घर में संतान की प्राप्ति होगी तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ तब तक, तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा जय हिंद